लगाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। स्माइल डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने विश्वविद्यालय में किया भौतिक विज्ञान लैब का भ्रमण। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लैब वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। मेरठ स्माइल डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान लैब का भ्रमण किया, जिसमें छात्राओं ने नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा किस तरह लैब में परीक्षण किया जाता है उसको बारीकी से सीखा। छात्राओं ने लैब का भ्रमण करके बहुत कुछ सीखा। लैब भ्रमण के समय पर स्माइल कॉलेज के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति सक्सेना छात्राओं के साथ थे। स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ के भौतिक विज्ञान विभाग की ओर से एक शैक्षिक भ्रमण विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति सक्सेना के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कॉलेज की बीएससी की समस्त छात्राओं ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के भौतिक विज्ञान के विभाग के सभी प्रयोगशालाओं का भ्रमण किया। इस शैक्षिक भ्रमण में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर वीरपाल सिंह ने छात्राओं को अपने यूएसए में 2 वर्ष तक के किए गए शोधों का प्रयोगात्मक तरीके से समझाया तथा विषय से जुड़े तथ्यों को अनेक छोटे बड़े तरीकों से प्रयोग करके सिखाया, जैसे अणुओं को बहुत नैनी आकार में बनाना, सैम टेक्निक द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम का छोटे छोटे कणों में डालकर उनकी आंतरिक संरचना प्राप्त करना तथा बहुत छोटे कणों को रिजॉल्विंग पावर द्वारा अलग अलग करना, स्पॉटरिंग तकनीक द्वारा थिन फिल्म बनाना तथा थिन फिल्म का उपयोग विभिन्न अवस्थाओं जैसे सेंसर, सोलर सेल घड़ी आदि में प्रयोग करना सिखाया। क्या नाम? हाँ, मैं डॉक्टर दीप्ति सक्सेना। दीप्ति, आज यहाँ पे विजिट करने के लिए बच्चे आए हैं, क्या उद्देश्य है? हाँ देखिए, आज हम यहाँ पे CCS यूनिवर्सिटी कैंपस में बच्चों को फिजिक्स डिपार्टमेंट में फिजिक्स की लैब्स की विजिट करवा रहे हैं और उसका उद्देश्य ये है कि बच्चे थ्योरेटिकल पढ़ते हैं पर प्रैक्टिकल की तरफ इतना रुझान नहीं होता उनका, तो बच्चे प्रैक्टिकल अगर करके देखें तो उनको एक तो रटने की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फियर ख़त्म होगा सब्जेक्ट का जब खुद से करेंगे, तो लर्निंग बाय डूइंग जो है वो एक बेस्ट पॉलिसी है, तो बच्चे अगर करके देखेंगे तो उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं और इंटर कनेक्टेड चीज़ें जो हैं उन्हें समझ पाते हैं, तो इसी उद्देश्य से आज हमने यहाँ पे कैंपस में विजिट करवाई है बच्चों को और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ पे विभाग अध्यक्ष जो हैं प्रोफेसर वीरपाल सिंह जी, जिन्होंने समय समय पर हमारे यहाँ चाहे बच्चों को लेक्चर देना हो या लैब विजिट करानी है या और भी अदर तरीके से जो भी हमारी यथासंभव वो मदद कर सकते हैं वो करते रहते हैं, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही योगेंद्र कुमार गौतम जी जो यहाँ पर जिन्होंने लैब विजिट कराई बच्चों को, बहुत अच्छी तरह से समझाया है बच्चों को, तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद जो है वो ज्ञापित करूँ। लगभग कितने बच्चे यहाँ पे विजिट करने के? अभी अप्रॉक्स यहाँ पे 35 बच्चे हमारे पास में आए हैं यहाँ पे और ये हम बैच वाइज बच्चों को बुला लेते हैं, जैसे अभी BSc थर्ड ईयर के ऊपर हमारा फोकस है कि बच्चों को आगे फ्यूचर में जो है वो PG करनी है, रिसर्च करनी है, तो उसके वजह से हमने अभी पहले फोकस ये रहता है कि BSc फाइनल ईयर के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके लिए लाभान्वित हों और समझ पाएँ कि लैब्स क्या हैं और इनमें किस तरीके से काम किया जाता है, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन वो अपने माइंड में अपने शब्दों में समझ के कर पाएँ कि ये क्या चीज़ है और किस तरीके से वर्किंग होती है। क्या इससे पहले भी कभी कोई विजिट वगैरह? हम लगातार इसे विजिट करते रहते हैं और लगातार हम विजिट करवाते रहते हैं बच्चों की, साथ ही जो है वो हम बाहर से जितने भी प्रोफेसर वगैरह जो हैं उनको बुलाते रहते हैं और लेक्चर्स वगैरह करवाते रहते हैं बच्चों के, जितना भी उनका हम मानसिक विकास जो है कर सकते हैं सब्जेक्ट के प्रति वो हम करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं प्रोफेसर वीरपाल सिंह। देखिए, ये विश्वविद्यालय का परिसर का विभाग है, भौतिक विज्ञान विभाग, यहाँ ये हम लोगों से उम्मीद भी की जाती है कि जितने भी कॉलेज हम लोगों की यूनिवर्सिटी से संबद्ध है उनके छात्र छात्राएँ यहाँ आएँ और यहाँ जो भी प्रयोगशालाएँ हैं उनमें देखें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों के पास हैं, कैसे आगे वो भविष्य में अपना कैरियर बना सकते हैं और मैंने अपनी एक शोध की डायरेक्शन भी यहाँ से ले सकते हैं। उसी क्रम में स्माइल कॉलेज के छात्राएँ बेसिकली यहाँ पे आई हैं, उन्होंने हमारी जो लेबोरेटरीज हैं रिसर्च की उनको मैंने घूमा है, देखा है और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं यहाँ उन्होंने अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में जो रिसर्च हो रही है उसके बारे में बताया और साथ साथ जो हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन यूज कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बात है, हमारे यहाँ उच्च श्रेणी का मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन उपलब्ध है, उस संदर्भ में भी जानकारी हमारे प्रोफेसर ने बच्चों को दी है। निश्चित ही ऐसी भ्रमण, ऐसे माने लैब विजिट छात्रों को अपना कैरियर चुनने में मदद करते हैं।
बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ये, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सभी सब्जेक्ट आते हैं। यहाँ जो हमारा मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज आती है, इस लेवल पे जाके, नैनो लेवल पे जाके उसके जो अपने गुणधर्म हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो चेंज आती हैं। तो उस संदर्भ में भी हमारे यहाँ प्रयोगशालाएँ हैं, तो निश्चित ही बच्चों ने वो विजिट की है।